बबल टब हमें कहाँ दिख रहा है? कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए चंदन आपके सामने स्क्रीन पे भी आएंगे, इंटरग्लोब, मनापुरम फाइनेंस और डालमिया भारत, इनमें से कुछ पसंद आता है आपको फर्दर लॉन्ग्स क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले इंडिको की बात की तो मैं इंडिको पे फोकस करूंगा। ये काउंटर पिछले कुछ दिनों से हमें समझ में आ रहा है, वीकली चार्ट पे फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के साथ में डेली चार्ट पे हायर हाइज हायर लोस बन रहा है, तो इंडिको पे इनफेक्ट हम खरीदारी की मोहर लगाना पसंद करेंगे। 2030 के सपोर्ट रहेंगे, 2150 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो इंडिको पे पॉजिटिव बायस है। डालमिया भारत, यस, सीमेंट काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है, अल्ट्राटेक भी काफी अच्छा चल रहा है, डालमिया भी वीकली चार्ट में एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है, डेली चार्ट पे 1600 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है, तो इन सारे तथ्यों से पॉजिटिव बायस ही है। 1580 के सपोर्ट से 1680-1700 तक के लेवल डालमिया भारत में आपको देखने को मिलने चाहिए। यानी पांच काउंटर जो एफएनओ स्पेस में है, सीमेंट स्पेस में, सारे के सारे इस वक्त एडवांसेस की तरफ से, तो 100% एफएनओ के सीमेंट काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ से सीमेंट में और तेजी दिखती है। डालमिया भारत तो हमने शेयर किया, चंदन आपके रडार पे भी कोई और आ रहा है? श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो एक बेटर बेट हो सकती है यहाँ? अल्ट्राटेक सीमेंट पे फोकस करूंगा। अल्ट्राटेक ने देखे पिछले तीन दिनों का जो हर्डल था 6700, उसके ऊपर डिसाइसिवली काम किया है और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना रहा है, पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, तो डालमिया के अलावा हम अल्ट्राटेक पे फोकस करेंगे। 6600 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 7000 तक के लेवल के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। और उसके अलावा दूसरे सीमेंट काउंटर की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्राटेक पहला रहेगा और एसीसी ऐसा हो सकता है जहाँ पे थोड़े से सपोर्ट बेस बाइंग बने, जरूर रेंज में बट रेंज के लोअर बैंड पे यहाँ पे सपोर्ट बनने चाहिए। 2200 के सपोर्ट से एक बार 2320 तक के लेवल बनेंगे, तो डालमिया के बाद में अल्ट्राटेक और फिर एसीसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट पसंद आता है यहाँ पर, बिल्कुल जो है जो मुझे दिख रहे हैं मेरे रडार पर आ रहे हैं, पर आपकी हाई कन्विक्शन कॉल्स कौन सी होंगी जो आपके रडार पे आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि वीकेंड पे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जिनको? इस पे फोकस करूंगा। एक आपने इंडिको को जिक्र किया, वो भी हमें अच्छा लग रहा है, तो इंफोसिस एक हमारी तरफ से ट्रेड रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, डेली चार्ट पे आप देखोगे मल्टीपल डेज के हाई यहाँ पे निकले हैं, लॉन्ग के बिल्टअप है, निफ्टी आईटी यहाँ पे फोकस में भी है, तो इंफोसिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1585 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1675 के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा आप दूसरे ट्रेड सेटअप की बात करें तो आईसीआईसी बैंक पे हम फोकस करेंगे, तो आईसीआईसी बैंक भी यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है, 815 के सपोर्ट से ऊपर में 865 तक के लेवल बनेंगे, तो यहाँ पे इंफोसिस, आईसीआईसी बैंक दो काउंटर है जो हमें कन्विक्शन के हिसाब से समझ में आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट। ठीक है, कुछ और दूसरे काउंटर्स भी देख लेते हैं जहाँ पर आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। अभी फिलहाल एलएमडीसी ये तो अच्छा चल रहा है, आईईएक्स, एनएमडीसी, क्या यहाँ शॉर्ट कवरिंग और रैली और बढ़ सकती है, क्या यहाँ कोई पोजीशन ले सकते हैं? सबसे पहले एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी है और बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 110 तक के लेवल के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ पिछले लगभग 35 दिनों में ये 110-111 के ऊपर टिकता नहीं है और आज हिसाब से टिका है, थोड़े शॉर्ट कवर बन सकते हैं, तो 107-50 के सपोर्ट रहेंगे 116 तक के लेवल के लिए एनएमडीसी के लिए, तो ये काउंटर आपके रेडार पे रहना चाहिए, पॉजिटिव बायस यहाँ पे एनएमडीसी में बन सकता है। कॉनकॉर्ड पे क्या व्यू रहेगा आपका चंदन? 3% तेज है ये भी जब चैनल मूव दिखाता है, इसके भी एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर है जिसकी वजह से ये मूव दिखा रहा है, लेकिन दिखाता है तो लंबड़ी मूव दिखाता है, 3% तेज है इस वक्त, काफी सही काम और ऊपर के लेवल से जो 3 दिन में डिक्लाइन हुआ है वो वापस एक खरीदारी के मौके दे रहा है। 3 दिन में आप देखोगे 734 से लेकर 673 तक करेक्ट हुआ और आज पॉजिटिव बायस हुआ है वापस, तो ऐसा लग रहा है कि बेस बन चुका है, 680 का सपोर्ट हुआ करेगा और 3 दिन पे लेके जो स्विंग आई है 720-735 वहां तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए।